स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी आचार्य संजय। अभी मैं आसाम में हूँ और काजीरंगा फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रेंज में, और आके यहाँ चमेली का जो हवेली है या बंगला है वहाँ 3 दिन से यहाँ पर हैं। चमेली बंगला आप YouTube में देखना, इसके ऊपर बंगला में फिल्म हुआ है यहाँ पर, और चमेली बंगला एक फेमस बंगला है जहाँ पर चाय का जो बगान है उसका एक अंग्रेज ब्रिटिश मालिक यहाँ पर रहता था, और एक चाय का बगान का काम करने वाली महिला का बेटी के साथ उसका प्यार होता है, फिर उसके साथ वो छोड़ के भाग जाता है और वो यहाँ रहती है। उसके नाम पे ये बंगला, और ये सारे चाय के गार्डन्स हैं यहाँ। बहुत दूर दूर तक चाय ही चाय का पत्ती आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छा जगह है, बड़ा सुंदर सुमनोहर, और यहाँ पर वॉकिंग के लिए बड़ा शांति जगह है। दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो मज़ेदार जगह है। सुबह का टाइम है, मटल गश्ती कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। बड़े अच्छे प्राकृतिक वातावरण है यहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक मकरी बुलाई है, बहुत चाय बगान का मालकिन है और अच्छे परिवार हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, अतिथि सत्कार भी बहुत बढ़िया है। गेट भी आप देख सकते हो बड़े, और उनका करीब करीब 8-10 चाय का बगान है, और शायद एशिया का सबसे बड़ा चाय का फैक्ट्री यहाँ पर। कल हम लोग देखने गए थे चाय कैसे प्रोडक्शन होते हैं, कैसे पत्तों को लाया जाता है, बेड में डाला जाता है, फिर उसको कैसे उसका टेम्परेचर और उसका ह्यूमिडिटी, उसका मॉइस्चर को घटाया जाता है, फिर उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसको लेके एक मैसनिंग किया जाता है, और उसका जितना पानी है रस है निकाल देते हैं। ब्यूटीफुल जगह है ये, और फिर उसको कटिंग करने के बाद फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन करके फिर पाउडरिंग किया जाता है, डिऑक्सीडाइजेशन किया जाता है, फिर उसको डिवाइडेशन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और फिर पैकिंग होके सेलिंग होता है, आप तक पहुंचता है। आप लोगों को जिसको चाय चाहिए बोलिएगा, एक बार ओरिजिनल चाय का मज़ा मिल जाए, फिर ये जो बाज़ार में मिल रहा है ये चाय आपके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, ऐसा चाय है। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लॉन है, और यहाँ पर लोग आते हैं रहने के लिए, करीब पर नाइट 6,000-8,000 ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया सुइट है, फैमिली कॉटेज एंड ऑल दिस थिंग, बहुत मज़ेदार जगह है। तो यहाँ भी बैठ के बहुत सारे लोगों का कुंडली देख रहा हूँ, नया आइडियाज़ आ रहे हैं, नया कोई ज्ञान आ रहे हैं, और जो लोग भी इस प्रकार का एक बार ऑर्गेनिक चाय का मज़ा लेना चाहते हैं आप लोग ज़रूर आना चाहिए। जिनको आना है मेरे को नीचे मेरे नंबर में आप व्हाट्सएप कर दोगे, मैं यहाँ का डिटेल दे दूँगा, और फिर इनसे कांटेक्ट करके आप आ सकते हो। ये वही चमेली बंगला है, चमेली बोलते हैं इधर, सामेली कोई कोई बोलते हैं। तो उसका बहुत अच्छा हिस्ट्री है, और उसका बंगाली में फिल्म भी है, यूट्यूब में भी मैं उसका फिल्म देख रहा था। तो आज का विषय, यहाँ जो सबसे बड़ा केस देखा उसके ऊपर एक विचार आप सबके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा अमीर फैमिली है, जगह नाम लेना नहीं चाहता हूँ, दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड सॉल्यूशन। यहाँ शादी भी होते हैं, ये शादी के लिए
कल से शायद शादी होगा, हम लोग निकल जाएंगे। 3 दिन का यज्ञ था, पूजा था, हवन था, और माँ कामाख्या का दर्शन भी हो गया है। और मैं वहाँ पर और 5-6 दिन साधना करने के लिए रहूँगा, रुकूँगा ही। और शायद इसीलिए 2-3 दिन हुआ मैं, क्योंकि यहाँ का यज्ञ, हवन, पूजा, गृह शांति और ये विष्णु सहस्त्र नाम और अभिषेक, विष्णु अभिषेक, जैसे रुद्र अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, ऐसा विष्णु अभिषेक होता है कुछ। चलिए, वो अपना अपना हर एक आदमी का है, वो तो सीक्रेट बाहर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। बस आपको दिखाना चाहता था कि कितना सुंदर जगह में हम हैं, बड़ा मज़ा और आनंद आ रहा है, और बड़ा शांति भी है, ध्यान के लिए भी बढ़िया है, जप तप के लिए भी बढ़िया है। बड़े ऊँचे ऊँचे बाउंड्री है, सेब लाइन है, और यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है इसको बरकरार रखने के लिए कोशिश किया गया है। और ये जो हवेली है अंग्रेज़ों का टाइम का है, यहाँ का जितना भी अंदर का आर्किटेक्ट बिल्डिंग में सिस्टम है, यहाँ रहने से एक अंग्रेजियत का अनुभव हो रहा है। और यहाँ बैठ के हम जैसे संजय दूर तक देखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ देखने के लिए मिला, बहुत कुछ ध्यान में आया, योग निद्रा भी किया, यहाँ ध्यान भी किया, तो कई सारे शब्द अंग्रेज़ों के समय का आज भी उस एनर्जी, वो वाइब्रेशन पड़े हुए हैं। और अंग्रेज़ों का समय का ये बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देख सकते हो 100-200 साल पुराना पेड़ है, और ढेर सारे हर्ब्स। हम आयुर्वेद के बेस के हैं तो हमें बहुत सारे औषधि दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्नामेंटल पेड़ भी यहाँ पर ये साइड में पड़े हुए हैं, लगाए हुए हैं, और मेंटेन भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो ये गार्डन मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा हुआ है, और यहाँ पेड़ भी बहुत अच्छा, एक दिव्य वातावरण है। तो एक मकुरी का प्रयास है, मकरा मकरी उनका प्रयास है, उनका वो अकेली संभाल रही हैं इतने बड़े टी इंडस्ट्री और इतने बड़े बड़े 250 हेक्टर चाय का बगान, 500 हेक्टर का चाय का बगान, 600 हेक्टर का चाय का बगान, बड़े बड़े हैं। और कल हमको बुलेरो में बैठ के पूरा 1.5-2 घंटा खाली चाय का बगान घूमने में टाइम चला गया, तो वो भी घूमे देखे, तो बड़ा मज़ा आया। बड़ा आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों मिला हुआ एक जंगल। तो चलिए, हम लोग जो केस था वो ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में जगह नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बड़ा रजवाड़ी जगह है, और अरबों खरबों का उनका फैक्ट्री, और वो सारे फैक्ट्री आज के डेट में ऋण लेके घर चल रहा है। एक समय में उनके पास 500-700 लेबर और वर्कर्स हुआ करते थे, और आज के डेट में वहाँ उनका हालत ऐसा है कि कुछ भी नहीं है। बेटा बेटी, बेटों के अंदर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क नहीं है। अभी ये कार पार्किंग जोन पे आए, ये भी देखिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट में बनाया गया है सारा, उस समय का ये लोहा है, बड़ा अलग इसका अनुभव। यहाँ बैठकी है, ये बैठकी को भी बड़ा मैं आनंद उठाता हूँ, यहाँ बैठने से पूरा नेचुरल चीज़ दिखाई देता है। सो और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, चलेंगे हम लोग भी देख के आएंगे सीढ़ी। कुछ थोड़ा सा खाली चेयर टेबल चेंजेस है, और ये भी आप देख सकते हो फिलहाल। तो उनका बहुत परिस्थिति ख़राब है, और आर्थिक लेवल बहुत ही बेचारी अपने को रो के मेरे को बता रहे थे कि कुंडली दिखा रहे थे, मैं कुंडली देख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था, उनका कुंडली को उनसे बात करने के लिए मैं 3-4 दिन एक्सटेंड ले लिया, लेना ही था, क्योंकि बड़ा पेचीदा मैटर था। एक तरफ वो जैन धर्म के हैं, बोले हम लोग ये ग्रह और नक्षत्र मानते नहीं हैं। मैं बोला आपके जो संत महात्मा लोग होते हैं जैन धर्म में, मैं जितना जानता हूँ
मुंह में सफ़ेद सफ़ेद पट्टी लगाना, अहिंसा व्रत को पालन करना। और यहाँ तक मैं देखा हूँ जैन धर्म के साध्वी लोग, साधु लोग जब कहीं से चलते हैं तो खाली पैर में चलते हैं, एक झाड़ू लेके झाड़ू कर करके चलते हैं। रोड में मैं देखा हूँ उनके पीछे कई सारे उनके जैन धर्मावलंबी जो भक्त बोल सकते हैं या जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग भी आगे पीछे चलते रहते हैं। तो बड़े आध्यात्मिक संत रहते हैं। मैं बोला उनको कम से कम पूछिए कि ऐसे कंडीशन में जब आप कोई पूजा पाठ वगैरह हिंदू धर्म वाला नहीं कर सकते, ग्रह शांति वगैरह, तो क्या होना चाहिए। चलिए ऊपर चढ़ते हैं तो इसका भी लुत्फ उठाते हैं और इसका मज़ा भी लेते हैं। और फेमस जगह है, बहुत लोग आते हैं कि चमेली का बंगला में रहने के लिए, जो शौकीन आदमी हैं, ऐसे हिस्टोरिकल जो जगह में रहना चाहते हैं। यहाँ का एक बैठक देखिए, ऊपर वाला ब्रिटिश टाइम का ही एक टच आपको मिलेगा, और ये घर भी। और यहाँ से अगर मैं राउंड व्यू लेता हूँ तो आपको यहाँ से बैठे बैठे इतना सुकून और इतना आनंद। अच्छा, वो लेबर बंगला है उधर, उस समय ब्रिटिश लोग का रहने के लिए, और बहुत अच्छा स्पेस है, एकदम ओपन स्पेस। और यहाँ भी गार्डनिंग और कुछ प्लांट्स वगैरह लगाया गया है, और ब्रिटिश टाइम के ही इस प्रकार के प्लेट्स लगाना। और यहाँ भी थोड़ा देर बैठ लेते हैं, चाय वाला जगह में लोग खाते पीते चाय पीते हैं। सो यहाँ का नज़ारा क्या बताऊँ, यहाँ मेरे आँख से ही शायद आप देखने का कोशिश कर सकते हैं। एक बड़ा फॉरेस्ट बीट हाउस, फॉरेस्ट हाउस का एक नज़ारा है, जहाँ पर टी कंपनी के बड़े बड़े अंग्रेज मालिक लोग, और यहाँ से चाय का गार्डन भी दिखाई दे रहा है आगे आगे, चाय का गार्डन बाउंड्री के बाहर बाहर। जिधर भी आँख फैलाएंगे उधर ही चाय ही चाय, चाय के गच मिलेंगे। और यहाँ का मज़ा कुछ अलग है। तो चलिए, आनंद में है, मज़ा में है, मस्ती में है। इस घर का भी पुराने मॉडल का आर्किटेक्ट और पुराने मॉडल का जो घर बनाने का प्रोसेस है, ये भी आप देख सकते हो अंग्रेज़ों के समय का। हमारे पंडित जी लोग भी यहाँ, उनको क्वार्टर मिला है, इधर वो लोग रह रहे हैं। ये हम लोगों का 101 नंबर पंडित जी का क्वार्टर। और यहाँ भी बैठकी है, मज़ेदार बैठकी है, और यहाँ से भी व्यू लेना कुछ अलग मज़ेदार विषय है। चलिए, तो हम लोग अपना बात कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा आदमी कल तक करोड़पति, अरबपति, खरबपति, किसका 5 इंडस्ट्री, किसी का 10 इंडस्ट्री, किसी का क्या क्या सब अकूत रहता है, अकूत अकूत 300 लेबर, 500 लेबर, 6000 लेबर, और आज के डेट में उनको ऋण भी नहीं मिलता है। पंडित जी हमारा निकल गए सुबह सुबह तैयारी होने के लिए, पंडित जी हापड़ में हैं, भाग गए ठीक है। तो हमारे असिस्टेंट पंडित लोग को लेके आया हूँ, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल से बिना खाए पिए पूजा कर रहे हैं। तो किसी का कल्याण के लिए इनको कष्ट स्वीकार करना पड़ता है, और मैं केवल तो सूत्रधर हूँ, जहाँ पर कोई गलती हो फिर इनको गाली वाली देते रहता हूँ, थप्पड़ पड़ पीटते रहता हूँ हाँ, पंडितों को पीटना तो हमारा काम है। तो चलिए बात कर लेते। अरे 7 बजे से मैंने आश्रय शीघ्र बाहर रंगो। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो कोई अमीर से अमीर आदमी शनि के 7:30 में गरीब हो जाते हैं, और क्या ये बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, शायद और पॉसिबल नहीं है, हम लोग ख़त्म हो गए, हमारा धन संपत्ति सब चला गया और आगे शायद कुछ नहीं होगा, इस प्रकार का जो भावनाएं हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, और आप लोगों के मन में भी ये फीलिंग्स आता होगा कि क्या हम लोग दोबारा इस प्रकार के इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्या, या हम लोगों के ज़िंदगी में दोबारा से पैसा वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल के सुधर सकते हैं या नहीं सुधर सकते हैं।
किसी का भय टेंशन, तो वो जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बीमार पड़ गए चिंता में टेंशन में। वर्कर्स लेबर, उनके को वर्कर्स, उनके भाई, उनके आसपास आस पड़ोस सबको ये धोखा दे रहे हैं, और उनको मिलने वाला उनसे लिया हुआ पैसा भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या रिकवरी हो सकता है? दूसरा ये कि कुंडली इसलिए पेचीदा था कि एक तरफ शनि का साढ़े साथी है, एक तरफ शनि महादशा का स्टार्टिंग फेज है, शनि में शनि, और छः महीना या एक साल बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका मकरू राशि, मकर राशि मकरी हैं, और नवमांस में चंद्रमा शनि मीन का है, तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं डबल साढ़े साथी, ऊपर से शनि महादशा। इतने में बात नहीं रुका, आगे क्या है, उनका पति का कुंभ राशि, एक बेटा का कुंभ राशि, छोटा बेटा का शायद मीन राशि या वृष राशि, ऐसा कुछ। तो पूरा परिवार में जब शनि साढ़े साथी लगता है तो सभी कोई इस शनि के चपेट में आ जाते हैं, और जिसके कारण उनको सबसे ज़्यादा कष्ट, पीड़ा, दंड मिलने लगता है। नौकर लोग चोरी करके ले जाते हैं, नौकर, मैनेजर, गुमास्ता, मुंशी लोग ठगते हैं, और उनके पास कुछ रह नहीं जाता है, और फिर एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण उनको लेना पड़ता है। और स्वाभाविक बात है, ऐसा होने के पीछे जो रहस्य क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, और क्या सच में यहाँ से निकल सकते हैं, आपका क्या कॉन्फिडेंस है? अभी तक देखिए 90% केसेस मैं जितना हैंडल किया हूँ, सब केसेस में रिकवरी हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ फटाफट हो जाता है या एक साथ हो जाता है, इट टेक टाइम, लेकिन हो जाता है। इतना तो कह सकता हूँ कि एक सेफ्टी जोन पे ये लोग आ जाते हैं, एक सेफ सुरक्षित जोन आ गया, गाड़ी हम लोग आ जाते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य यही है कि खीणे पुण्य मर्तलों के बिसंती, हम लोगों का गाड़ी आ गया लेने के लिए, हम लोग भी निकल जाएंगे इस समय, और बड़ा फास्ट गाड़ी है, 300 किलोमीटर हम लोग तीन घंटा साढ़े तीन घंटा में पार कर लिए हैं गुवाहाटी से यहाँ तक। क्या ध्रुव, यहाँ का ये जगह का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, है जोरहाट। हाँ, तो ये जोरहाट में है। तो उसके पीछे क्या रहस्य? इसके पीछे रहस्य इतना ही है कि खीणे पुण्य मर्तलों के बिसंति, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि जब आपका पुण्य बल क्षय हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप नीचे गिर जाते हो, आर्थिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, और आध्यात्मिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशली आप डाउनफॉल हो जाता है आपका। और ये जितने सारे शनि साढ़े साथी और शनि महादशा समय में, अर्थ से फर्श में आना, फर्श से अर्श में आना, सबके साथ कोई ऊपर उठता है, कोई नीचे गिरता है, किसी को ढेर सारे सौगात मिलते हैं और किसी को ढेर सारे नीचे गिरना मिलता है, अपमान मिलता है, मान सम्मान का हानि होता है, झूठा इल्ज़ाम में फंसते हैं, लोगों का मतलब छी छाकड़ सुनना पड़ता है, और अपने लोग दूर हो जाते हैं, अपने मित्र बंधु दूर हो जाते हैं, और इस प्रकार के बड़े सारे मानसिक सदमाओं को झेलना पड़ता है। कुछ लोग इस सदमा में आके गलत काम भी कर लेते हैं, आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या ऐसे कंडीशन में जिसका सीवियर शनि साढ़े साथी का इम्पैक्ट चल रहा हो, और ये प्रॉब्लम अगर बिल्डअप हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए, और इसमें कोई मार्ग है? हाँ है, और वो
जो पांच प्रकार का मार्ग बेसिकली बताया गया। सबसे पहला सूत्र है कि खीणे पुण्य मर्तलों के विसंति, तो पुण्य बल को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें पुण्य बल बढ़ाने के लिए कई प्रकार के मार्ग हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि जो भी आपके अंडर वर्कर है, को वर्कर है, लेबर ग्रेड है, निचला लोग हैं, उनको आपको कुछ ना कुछ अपने शक्ति मुताबिक देते रहना चाहिए। जैसे आप बोले हमारे पास तो है नहीं, देंगे क्या, जो है दो, जितना संभव है दो, ये पहला काम है। दाने दुर्गति क्षय, पुण्य बल बढ़ता है। दूसरा, इस समय आपको कई सारे पास्ट लाइफ के लोग आएंगे आपको लूटने खसोटने के लिए, पेंडिंग कर्म वाले आ सकते हैं, तो उनसे डरो मत। अगेंस्ट एनर्जी आएगा, आपको लूटेगा, आपको ठगेगा, आपको खसोटेगा, बहुत कुछ कर सकता है। तो ए ध्रुवा, वो ऊपर पंडित जी लोगों को थोड़ा सा बोलो, वो लोग ऑलरेडी खटिया छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको डुबाला उठाओ जाके। ऊपर ऊपर 101 में है, 101 में है, बोलिए मैं आचार्य जी बुला रहे हैं, बोलो गाड़ी आ गया है और निकलो बोलो। तो ये पहला है दाने दुर्गति खे। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपके जीवन में पुण्य बल बढ़ाने के लिए दान के बाद आता है मुंडे तुंडे कुंडे। मुंड मतलब शिव के लिंग में अभिषेक करना, कुंड मतलब हवन करना, तुंड मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना। नहीं, वो तो निचला लोगों को भोजन, वर्कर लेबर का भोजन, वो अलग है। और ये सब जब करेंगे तो संकल्प सहित करेंगे, ठीक है, आप बहुत दानी हो, दान करते हो, लेकिन बिना संकल्प में इस साढ़े साथी के समय नहीं कराना है, और सारा संकल्प शनि के नाम पे कराना है। ये पंडित को संकल्प करना है कि यह अवसरे शनि साढ़े साथी समये या शनि महादशा समये समस्त प्रकार अभिष्ट सिद्ध्यार्थम सर्व बाधा सभी प्रकार के पीड़ाओं का विनाशार्थे, इस प्रकार के पंडित जी को बोल के संकल्प करना, अमुक नाम अमुक गोत्रे उत्पन्नोहम, ये बोल के करना है। जैसे और ज़्यादा पेचीदा कुंडली इसलिए था कि घर के जब महिला के ऊपर साढ़े साथी महादशा एक साथ लग जाए, घर का लक्ष्मी, ऐसे में बहुत सारे केस देखा हूँ जहाँ घर के महिला के ऊपर अगर शनि साढ़े साथी, डबल साढ़े साथी और साथ में महादशा लग गया, जिसके पास पैसा रहना है, सारे घर का जो मेन पिलर है, अगर उसको साढ़े साथी लग गया और उसे लक्ष्मी छोड़ के भाग गई, फिर बाकी लोगों का क्या हालत है? अगर उनको पनौती लग गया, फिर बाकी किससे क्या बोला जा सकता है? तो अब घर अभी क्या करेंगे, घर वाले उसको भगा दें? नहीं, उसके लिए आवश्यकता यह है कि शनि का जितना उतारा है, जितने सारे रेमेडीज़ हैं, जैसे जूता, काला जूता, काला चप्पल, काला छत्ता वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सब दान दक्षिणा भी बिना एस्ट्रोलॉजर को पूछे नहीं करना है, कभी कभार इसका बैकफायर भी होता है, पूछ के करना है कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शरीर से जो भी सैटर्निक एनर्जी है उसको रिलीज डाउन करना। तो उसका एक ही रास्ता है और वो है पीपल गज का परिक्रमा करना। अच्छा, ये परिक्रमा भी सबको लेके कितना अमाउंट करना है ये भी थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे। चौथा है काले गाय, काला कुत्ता, काला कौआ। काला गाय जर्सी, होल्स्टन, फ्रीजियन, भैंस से नहीं चलेगा, देसी गाय होने चाहिए। और मैं बहुत सारी जगह में देखा हूँ, अगर एक काला गाय को आप एडॉप्ट कर लेते हो, एडॉप्शन करते हो, चलो आपके पास जगह नहीं है या आपके पास आदमी नहीं है, किसानों को देके, या जैसे हम लोग गौशाला वगैरह खोले हैं, एक जरूर एडॉप्शन करो और उसका खाना पीना दाना उसका सारा कुछ दायित्व आप वहन करो। आपके कुछ पैसे वहाँ तक गाय के मुंह में जाना चाहिए। हजार बड़े बड़े पूजाओं का रेमेडी है गौ माता को भोजन कराना, तो तुंडे में चला गया वो। पांचवा बिंदु है कि ये शनि आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, किस रूप में बैठा है, किस नक्षत्र में, बद्ध तारा में तो नहीं बैठा है, विपद तारा में तो नहीं बैठा। एक आपके जन्म नक्षत्र से 1, 5, 7, तो दूसरा है 3। जन्म नक्षत्र आते ही तो प्रॉब्लम देता ही देता है, तो 1 जन्म तारा, जन्म संपद विपद 3 नंबर तारा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 5
पांच नंबर तारा और सप्तम बद्ध तारा, और चौथा अगर आजन्म साढ़े साथ ही लगा है यानी पच्चीसवां नक्षत्र फ्रॉम योर जन्म नक्षत्र शनि बैठा है, इसका सारा का अलग अलग रेमेडी रहता है। उसको नहीं समझे हुए कौन से नक्षत्र में बैठा, क्या मांग रहा है शनि, क्या देना है उसको, क्या रेमेडी पे चलना है। अब यहाँ पर एक तो कॉमन रेमेडी है कि पीपल गच में सींच दो, हनुमान चालीसा कर लो, या सुंदरा कांड का पाठ कर लो, या दान दक्षिणा कर लो, या कुछ पूजा पाठ कर लो, ये सब कॉमन रेमेडी में आते हैं। या तीर्थाटन में जाओ, शनि बोलते हैं घुमाता है तो घूम लो, ये सारे कॉमन रेमेडीज में आते हैं। जैसे ग्लाइकोडिन कोई डॉक्टर नहीं लिखता है, सर्दी खांसी का दवा सिंकारा, सरदर्द का दवा सिंकारा डॉक्टर नहीं लिखता है, वो कॉमन मेडिसिन है, ऐड होता है, आप खरीद के खा सकते हो, छूटेगा भी नहीं छूटेगा भी, काम देगा भी नहीं देगा भी, या दे सकता है थोड़ा बहुत दे सकता है, बट वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज के लिए आपके कुंडली में इन शनियों के शनि बाबा का पूरा स्थिति को देखना पड़ता है, और तभी जाके वहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि क्या करें। बिना इसको देखे बिना इसको समझे कोई भी रेमेडी के ऊपर काम करते हो, काम नहीं देगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देगा लेट होगा, देगा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सारे बिंदुओं को पहले समझ लेना चाहिए कि क्या टेक्निकल रेमेडी है, और जब उसी रास्ते पे आप काम करते हो तो आपको जल्दी समाधान मिलता है। और जल्दी तो शनि में कभी समाधान नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ आपको एक कॉन्फिडेंट वाला जो टेक्निक है जब आप पाते हो, तो फिर आपका धीरे धीरे सुधार होने का प्रोसेस ग्रोन अप कर जाता है। ठीक है, तो ये जो सुधार होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप एक्टिव करते हो, यानी आप टूवर्ड्स सॉल्यूशन चलना चालू करते हो, नहीं तो फिर आपको उसमें और ज़्यादा डिले होते रहते हैं, और अपना आप बिन मतलब का इधर उधर का रेमेडी करते रहते हो, और जिसके लिए बड़े समय डिले हो जाता है, और आप रिकवरी करते करते परेशानी में आ जाते हो। तो इसलिए ये समझना, और अगर शनि जैसे उनके कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ और लग्न से अष्टम और सूर्य से सप्तम, बेड़ागरत ऐसे कुंडली को मतलब एक इसको मैं कहूँगा, मेरे ज़िंदगी में जितना सारा कुंडली देखा हूँ सबसे वल्नरेबल कंडीशन है, और ऐसे जगह को रिकवरी करना या रेमेडी देना एक पेचीदा मेथड है। एक तरफ शमशान घाट बुला रहा है, एक तरफ चतुर्थ चंद्रमा, तो फ्रॉम मून साइन टू फोर्थ, अगर फिफ्थ होता तो और डेंजर था। तो ऐसे कंडीशन पे रेमेडी को निर्णय करना बड़ा पेचीदा मेथड रहता है, और फिर तारा का को देखना। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है ना, अभी देखिए शनि यहाँ पर बड़ा बलाबल के साथ बैठा है, फुल पावर फुल एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए, शनि का पावर को घटाना चाहिए या शनि का पावर को बढ़ाना चाहिए, इधर नीलम विलम पहना देना चाहिए क्या? हाँ, लग्न और मकरू के हिसाब में तो ठीक है, लेकिन इधर मीन राशि का भी तो है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या नीलम दे दें, काम नहीं देगा, या फिर उनका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। इस कंडीशन पे नीलम देना या कोई भी पत्थर को सिलेक्ट करना परेशानी को बढ़ाने का वाला विषय रहेगा। तो यही निर्णय लेके सही मेडिसिन अगर बिल्डअप किया जाए तो समहाउ कुछ पॉसिबिलिटीज रहता है अच्छे रिजल्ट निकलने का। लेकिन मैं आप सबको कह दूं, डरने का या वरिड होने का कोई विषय नहीं है। हाँ, सबसे पहला तो शनि का ठुकाई ऐसा पड़ता है कि बड़ा लेट में पता चलता है, एक नंबर। दूसरा यह है कि जब पता चलता है तब तक सब कुछ गया, यही है, इसीलिए सनई सनई कहा गया है ना। तो जब पता चला, सती बाबा तभी पता चलाने देते हैं कि जब आपको रेमेडी मिलना है, नहीं तो बहुत से लोगों को रेमेडी मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि आपको पता चला, पता चला मीन्स अब समाधान मिलने वाला है, और अब इसमें तो धैर्य रखो, आप
इसमें ये ज़रूर मन में सोच लेना कि हाँ अब समाधान मिल रहा है, क्योंकि ये तो पता चला कि ये कंडीशन है। बीमारी डिटेक्ट हो जाना 50% इलाज है, क्योंकि लोगों को बीमारी पता भी नहीं चलता है कि ये बीमारी है और ये कंडीशन पे शनि बाबा बैठे हैं और इसका ये, तो एक तो पहले इत्मीनान हो जाओ या थोड़ा सा धैर्य रखो कि हाँ ये कंडीशन है, अब मुझे इसमें ये करना है। और मैं आपको कह दूँ, जैसे वो माता रानी बोल रही थी कि आपका वीडियो सुन के हम काली मंदिर में जाते थे, ठीक है जाइए माथा टेकिए, लेकिन वो आपका लेवल पे ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हम जैन धर्मावलंबी होने के बावजूद हमारा धर्म में नहीं है, ठीक है, ग्रह तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, ग्रह तो किसी को नहीं छोड़ते। क्या मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों को साढ़े साथी नहीं लगता? लगता है, मेरे पास कुंडली दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े सिखों को लगता है, ऑयल मिल का मालिक लोगों का साथ मेरा कनेक्शन है, बड़े बड़े मतलब राजा रजवाड़ों का साथ मैं कुंडली देखता हूँ, तो मतलब जो धन्ना सेठ बोलते हैं जिसको, एकदम जो सोने के चेयर में बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन है, ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है, तो मैं लाम नहीं, वो लोग मना करते हैं, प्लीज़ हमारा थोड़ा सा सेप रखिएगा या गुप्त रखिएगा, तो उनके ऊपर कोई नहीं बनाता हूँ, और इसलिए इनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। ये भी ऐसा ही कोई, ठीक है, गेड़ू है, हम लोग उड़िया में गेड़ू बोलते हैं जिसका संपत्ति का गिनती नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको गेड़ू बोलते हैं उड़िया से, उड़ीसा में गेड़ू टारी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन गेड़ू शब्द का अर्थ है नाटावी उड़िया में। तो मैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो लोग कुंडली नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं उनको अलग भय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली देखना ही समाधान नहीं है, बस ये खाली समझ जाना कि ये इफेक्ट हो रहा है। कल तक अमीर थे, आज गरीब हो गए, कल तक करोड़ों पे खेलते थे, आज फूटी कौड़ी के लिए या ऋण के लिए ऋण लेना पड़ रहा है, एक ऋण को चुकाने के लिए, और ऋण नहीं होना होता है, बड़े सारे केसेस देखा हूँ। देखिए, प्रयास हमारे हाथ में है, भगवान तो मैं नहीं हूँ कि आशीर्वाद दे दिया और सुबह सुबह सब ठीक हो गया, कल तक प्रॉब्लम में थे आज सब प्रॉब्लम दूर हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इतना एश्योरेंस है, साढ़े साथी में अच्छा होता है, बशर्ते आपके पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य अगर नहीं है तो शनि बाबा आपके धैर्य का बड़ा परीक्षा लेते हैं। और कई लोग यहाँ से निकले हुए हैं, निकाले हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है, हम कौन है निकालने वाला, जब तक शनि नहीं चाहे, जब तक माँ काली नहीं चाहे, और जब तक आपका गुरु नहीं चाहे। शनि को काउंटर करने के लिए ये तीन बड़ा इम्पोर्टेंट, एक तो खुद शनि, दूसरा है गुरु बृहस्पति या गुरु आपके जीवन का जो गुरु है, तीसरा है माँ काली। बोले लास्ट में काली को क्यों ले रहे हो? देखो माँ है ना, ये बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकते, और माँ काली के लाइन में भक्ति में आना ये जनरली इतना आसान नहीं होता है, लोग डरते हैं, ढेर सारे लोगों को मैं देखा हूँ डरते हैं माँ काली को। और अभी वहाँ यहाँ गए थे कामाख्या पीठ में, और यहाँ बैठे हैं, और कम से कम 400-500 बकरा का और ये भैंस का पोड़ पाढ़ा का काटा हुआ सर पड़ा हुआ है, तो मेरे साथ जो गई थी वो सहम गई, ठीक है, और जो भी थे वो डर गए। बोले डरना नहीं है, है माया का रूप, और मैक्सिमम लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा, क्या बलि माँ खाएगी क्या? बेटा देखो, अपना ओका मतलब दिमाग में रहो, जितना ताकत है उतना समझो, उससे ज़्यादा मत समझो। मैं बोला मैं भी तो हूँ जो कभी माछ मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाता और बलि प्रथा का विरोधी हूँ, लेकिन माँ दिखा रही, कभी नहीं दिखाई, अमावस्या का रात और मंगलवार का दिन, कामाख्या का पीठ, और हमें तो बहुत कुछ मिला। तो इसमें ये सारा चीज़ से डरना, भयभीत होना विषय नहीं है, माँ का माया है, माया को देखो बस। और हमेशा याद रखना, शनि महादशा साढ़े साथी में जो दिखता वो नहीं होता है, जो दिखता वो बिकता, वो मार्केटिंग वर्ड है, लेकिन वे सब होते हैं जो नहीं होता है, वे सब दिखते हैं जो नहीं है। और उसी में आप, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा, पति पत्नियों का समस्याओं को लेकर, ऐसे ऐसे नौटंकी नाटकीय घटना घटते हैं जो एक्चुअली नहीं है, लेकिन बीबी को भी लगता है कि ऐसा कुछ संबंध है,
विवाह को भी लगता, पता को भी लगता है, पति को भी लगता है, पत्नी को भी लगता है कि ऐसा कुछ संबंध है। ऐसे इंसिडेंट, ऐसे लेख, ऐसे फोटो, ऐसे वीडियोस आ जाते हैं सामने, जिसमें कि परीक्षा लिया जाता है आपकी ज़िंदगी में, आपके बिना मतलब का बदला, प्रलय, ध्वंस, नौटंकी सब होते रहते हैं। और इसको अगर आप नहीं समझें और इस समय कोई गलत निर्णय ले लिए, डिवोर्स ले लिए या किसी भी प्रकार का ऐसे स्टेप ले लिए, तो याद रखिएगा फिर उसको तो संभालने के लिए तो 7.5 साल, किसी किसी का पूरा 19 साल महादशा पार हो जाता है। इसलिए धैर्य रखना, पोस्ट मत छोड़ो, अपना जो जीवन संग्राम का पोस्ट बोलते हैं ना, उसको मत छोड़ो। तो ये इस वीडियो का मूल मकसद है। ऐसे जो लोग बड़े बड़े अमीर हैं और आज के डेट में ऋण में पड़े हो, हैव पेशेंस, हो जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा, शनि के काम में हर चीज़ लेट होता है और आपका धैर्य का परीक्षा लिया जाता है। इसलिए हड़बड़ाओगे, जल्दी जल्दी हो जाए होगे, नहीं होगा। जितने लोग भी हड़बड़ाए हैं लास्टली फेल्योर हुए हैं, लेकिन जो लोग पेशेंसफुली डील किए हैं, जब तब पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि किए हैं, अपने पुण्य बल को बढ़ाने के लिए लगे हैं, तो उनके जीवन में सुधार हुआ है, उनके जीवन में डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है। चौथा बिंदु मैं यहाँ पर, ये मेरा ध्रुव भाई कल बता रहा था कि पैसा नहीं रहता है गुरुजी, क्या करें, और उनका भी 7.5 साथी वाला बड़े सारे समस्याएं हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला, एक पैसा रखने वाला मिट्टी का घड़ा ले लो। ये हमारा ध्रुव भाई है, मेरे साथ यूट्यूब में आ गया, मेरे को बड़ा गाड़ी में घुमाया है, तो हंस भी रहा है, आप देख सकते हो सभी, ठीक है। और गाड़ी का चलाना भी देखा, मेरे टक्कर का आदमी है, ठीक है। 180 में फॉर्चुनर क्या चलाए, मर्सिडीज चलाने वाला, हाँ 180 में चलाने वाला, तो हम दोनों एकदम ड्राइवर ड्राइवर मिल गए तो वो टेक्निक देखिए, कुछ चीज़ तो निकलते हैं। इनका कुंडली देखा, इनका बीवी का देखा, और उनका बेटी का भी मैं देखा, तो एक ही उनका प्रॉब्लम था कि पैसा नहीं टिकता। तो उनको बोलते बोलते ये निकला, ये एक मेरे गुरु महाशया ही दी थी, और उसका टेक्निक ये है कि एक गोल वाला मिट्टी का पैसा रखने वाला कुंपी, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं, जहाँ पर पैसा गिराया डाले जाते हैं, उसको लाल वाला कपड़ा में बांधिए और उसके अंदर कौड़ी समंदर से मिलने वाला, पूरी जगन्नाथ मंदिर में समंदर के किनारे किनारे मिल जाता है, कौड़ी वगैरह बोलते हैं, धनलक्ष्मी इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है, उसके कपड़ा के साथ बांध दीजिए, लाल धागा में उसको चारों तरफ से लपेटिए, और वो बीच वाला ऊपर का जो छेदा है उसको अलग रखिए, और पॉसिबल है तो वहाँ माँ कामाक्षी का जो कपड़ा मिलता है और थोड़ा सा पानी मिलता है उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर माँ लक्ष्मी का कहीं मंदिर हो तो वहाँ से जो गोमती चक्र है थोड़ा सा हल्का छिद्र करके उसके अंदर डाल दीजिए। और साबुत देसी अरुआ चावल, ये अरुआ चावल नहीं, जो कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला, मशीन वाला अरुआ चावल, कम से कम 7 दाना उसके अंदर डालिए। नियम ये की है कि आपको वहाँ हर दिन भले 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, डालते रहना है। ज़्यादा दिन नहीं, गवर्नमेंट का पैसा का रोटेशन घटेगा और उसका पैसा का वैल्यू घट जाएगा, वो फुल हो जाए तब तक। अच्छा, ये जो घड़ा है या जो गोल मिट्टी का कुपी है जिसको लाल में रखें, ये किसी के आँख में नहीं गिरना चाहिए, और जिस दिन गिरा फिर उसको डिसमिस कराइए, उसको निकाल दीजिए। लॉक वाला लोहे का नहीं रखना, लोहे वाला कुपी में पैसा नहीं रखना है, लोहा मतलब शनि, और वहाँ लक्ष्मी को नहीं भर के रखना, ये बात हमेशा बार बार बोल रहा हूँ। मिट्टी माने मंगल, मिट्टी माने माँ, तो मिट्टी को लक्ष्मी भी कहा गया है, तो मिट्टी के अंदर रख सकते हो। अभी यहाँ तर्क नहीं लगाना, लोहा भी तो मिट्टी से आता है इसलिए लोहा भी मिट्टी लक्ष्मी है, नहीं वो नहीं, तो उसके अंदर एक ही रूल है, पैसा रखते रहना। ऐसे संग्रह से क्या उसका इम्पैक्ट आता है, क्या इफेक्ट आता है, बड़े सारे अलग अलग इम्पैक्ट एंड इफेक्ट उसके अंदर है,
मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। मेरे ड्राइवर वगैरह भी आ गए, मेरे को अभी निकलना है बाकी पंडित जी लोगों लेके, तो वहाँ का भी आज बहुत लंबा, आज आखिरी है और बहुत लंबा पूजा है और बड़े सारे काम भी हैं, तो इस विषय को यहाँ रखता हूँ, उसको किसी और दिन हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस जगह का आशा करता हूँ आप जरूर फ़ायदा उठाए हैं और आप लोग भी, हाँ आ गया, तो आप लोग भी यहाँ आने का ज़रूर कोशिश करें। ये जो चमेली का बंगला बहुत अच्छा लगता है अंग्रेजों का। अच्छा थोड़ा सा अंदर मैं दिखा दूं आपको, ये भी मैं दिखा नहीं पाया था, चमेली का बंगला का अंदर वाला जो जहाँ रह रहे हैं हम लोग, बड़ा मज़ेदार रूम है यहाँ। सो बहुत अच्छा यहाँ रूम्स वगैरह भी मिले हैं और बड़े कुछ अलग ही बड़े बड़े दीवार, और यहाँ के जो बेड भी आप देख सकते हैं, रजवाड़े वाले बेड हैं, और यहाँ का गद्दी भी एकदम 1.5 फुट 2 फुट का एकदम दबे हुए, बड़ा मज़ेदार और अच्छा। अच्छा यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला था, ये देखिए, अंग्रेज लोग यहाँ पर आग तापते सब सेकते थे, आग से यहाँ पर आग सेकने का व्यवस्था है और अटैच लेटरिन बाथरूम एंड मतलब मस्त है, दिल खुश, दिमाग खराब, ठीक है, दिमाग खराब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दिमाग खराब वाला रूम है तो अच्छा है। चलिए धन्यवाद। हाँ बाहर, ठीक है, ओके।